बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर लाइंस बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए मैं दो दिन से यहाँ था। आप दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि है, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं, मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं, मैं नौजवानों के बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें, अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहनजी सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी है कि उनके साथ एक गठबंधन, मैंने खूब प्रयास किया, मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे और जेल सब चीजें देखी, तिहाड़ भी दो दो बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहनजी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे